मेरे चैनल पर मेरी जो खूबसूरत सी फैमिली है गाइस, जो मुझसे हमेशा कनेक्ट रहना चाहती है, मुझसे हमेशा जुड़े रहना चाहती है, हमेशा मेरी बातों को सुनना चाहती है, मेरे साथ लाइव में बातें करना चाहती है और ये चाहती है कि मैं उनकी रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आऊँ, तो आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत अपडेट है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसको शेयर करते वक्त मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस। मैं आज आपको बता रही हूँ चैनल मेंबरशिप के बारे में। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है या फिर आप ये चाहते हो कि निगार कुछ स्पेशल आपके साथ शेयर करे, या फिर आप ये चाहते हो कि मैं आपके लिए अलग से लाइव आऊँ, अलग से आपको कुछ रेमेडी बताऊँ, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आप चाहते हो कि मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँ, या फिर आप मेरे बारे में ही कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन के इन सारी चीज़ों को पा सकते हो। जी हाँ, एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, उसके लिए ज़्यादा नहीं है, मैंने बहुत कम रखा है, और उस अमाउंट को पे करके आप मेरे चैनल पे मेंबरशिप ले सकते हो। फिर मैं आपके लिए अलग से कंटेंट लेकर आऊँगी, अलग से वीडियो बनाऊँगी, अलग से आपके लिए लाइव आऊँगी, जो कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा जो कि मेरे चैनल के मेंबर होंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट है गाइस, जो कि आज आपके साथ मैंने शेयर करी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी कुछ ऐसा ही चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल के मेंबर बन के उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज फटाफट से आपके साथ शेयर करती हूँ एलोवेरा जेल लगाने का एक ऐसा बेहतरीन तरीका जिसके इस्तेमाल से सुबह सुबह ही आपकी स्किन एकदम चमक उठेगी, आपकी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस लगने वाली है, आपके चेहरे पे जो खुरदुरापन आता है वो खत्म होगा, गलियों में आने वाली ड्राइनेस आपकी खत्म होगी और आपका चेहरा पूरा दिन शीशे की तरह चमकेगा। तो एलोवेरा जेल किस तरह से लगाना है चलो आज आपके साथ शेयर करती हूँ, बट उससे पहले आप सभी को इस वीडियो को लाइक करना होगा। भाई लाइक नहीं करोगे तो मैं कैसे अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँगी, तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को भी बेल आइकन के साथ प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार देख रहे हो, निगार से पहली बार मिल रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत खूबसूरत रेमेडी आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलो फटाफट से आज आपके साथ शेयर करती हूँ एलोवेरा जेल लगाने का एक खास तरीका जिससे आपका चेहरा चमकने वाला है। आइए देखते हैं इस रेमेडी को करने के लिए गाइस। सबसे पहले एक हम पाउडर बनाने वाले हैं। जब भी हम फेस वॉश यूज करते हैं, यानी घर का बना हुआ फेस वॉश अगर हम लगाते हैं, तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल करते हैं बेसन का। जी हाँ, बेसन यानी ग्राम फ्लोर चना दाल बेसन आपके चेहरे की इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, आपके चेहरे के कालेपन को ख़त्म करने के लिए, आपके चेहरे के खुरदरेपन को ख़त्म करने के लिए, और इतना इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है गाइस कि ये हर तरीके की परेशानी को आपकी स्किन से निकाल कर बाहर करता है। साथ ही साथ ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत गजब के रिजल्ट है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, अगर आप बेसन का इस्तेमाल करते हो तो आपके चेहरे पर कभी भी डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन नहीं आते हैं, और जो गहरे काले धब्बे होते हैं ना, वो आपके हमेशा के लिए धीरे धीरे फेडअप होकर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो पहला इंग्रेडिएंट जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज के इस रेमेडी में, वो है हमारा ग्राम फ्लोर यानी बेसन। ये मेरा घर का पिसा हुआ बेसन है गाइस, और बिल्कुल प्योर है। तो कोशिश करना कि जो मार्केट में अवेलेबल है बेसन जिसमें कलर भी होता है, तो वो आप ना लो, सादा चना दाल बेसन आप ले लेना। कितना लेना है? 3 टेबलस्पून आपको लेना है बेसन, ठीक है। यहाँ पे पहला इंग्रेडिएंट हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा इंग्रेडिएंट हम क्या लेंगे, यहाँ पे घर की पिसी हुई मेरे पास है रेड लैंटिन यानी लाल मसूर की दाल। अभी मेरे पास रिसेंट में आप सबके इतने सारे कमेंट आए कि निगार मेरे चेहरे पे डार्क स्पॉट है, यहाँ तक कि इंस्टा पे मुझे बहुत सारे लोगों ने अपनी पिक्स सेंड करी है गाइस कि निगार चेहरे पे गड्ढे दिखते हैं, डार्क स्पॉट दिखते हैं, देखने में बहुत खराब लगते हैं। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, आप लोग मसूर की दाल का इस्तेमाल किया करो। आज की इस रेमेडी में हम मसूर दाल जो डाल रहे हैं वो आपके डार्क स्पॉट को खत्म करेगी, आपकी पिगमेंटेशन को लाइट करेगी, आपकी स्किन टोन को इवन और ब्राइट करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितना लेना है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ही आप इसमें रेड लैंटिन यानी मसूर दाल लोगे। मसूर दाल पाउडर आप घर में बना लेना, उसको पीसकर छान लेना, ठीक है, डिब्बे में भरकर मेरी तरह इस तरह रख लो और हमेशा इस्तेमाल करो। तीसरा इंग्रेडिएंट यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत ग्लो देने के लिए, वाइल्ड टर्मरिक। अभी रिसेंट में मैंने वाइल्ड टर्मरिक का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है और लोगों को बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट भी मिल रहे हैं। वीडियो नहीं देखा है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाना और उस फेशियल ऑयल को बनाकर लगाना शुरू कर दो, यकीन मानो चेहरा बहुत ज़्यादा खिल जाएगा। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस, अगर
आप वाइल्ड टर्मरिक प्योर वाली चाहते हो ना तो वहां से जाकर बाय कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं शुगर के दाने, यानी जो हमारे घर में चीनी होती है जिसका हम इस्तेमाल अपनी चाय में करते हैं, तो वही शुगर आपको लेनी है। ये क्या करेगा, ये ग्लाइकोलिक एसिड का काम करता है। तो आपको क्या करना है, तकरीबन 2 चम्मच यहाँ पे आपको डालना है शुगर, ठीक है, और वाइल्ड टर्मरिक आपको सिर्फ और सिर्फ 1/2 चम्मच डालनी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट मैं अपने फेस वॉश में इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि आपको इंस्टेंटली जो रिजल्ट देता है, आपके चेहरे पे अगर एजिंग के साइन आने लगे हैं, आपके चेहरे पे अगर दाग हैं, आपके चेहरे पे अगर पिगमेंटेशन के निशान है, या फिर आप चाहती हो कि आपकी स्किन फेयर टोन में आ जाए, यानी सांवली रंगत से आपकी स्किन फेयर की तरफ जाने लगे, तो आप इसमें ऐड करोगे 1 चम्मच भरकर, यानी 1 टेबल स्पून भरकर कॉफी। यहाँ पे मैं इक्वल क्वांटिटी आपको अगर बताऊं तो मैं यहाँ पे 2 रुपए वाले 3 सैशे इस्तेमाल करी जिसमें 1 चम्मच पूरा फुल भरकर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 कॉफी के सैशे मैंने लिए हैं और इसी में डालूंगी गाइस। और अब क्या करना है आपको, उठाइए स्पून और अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर डालिए। जी हाँ, अगर आप इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करोगी तो क्या होगा कि सारी चीज़ें आपस में बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा नहीं रहती हैं, ठीक है। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना, और मिक्स करने के बाद आपके पास कोई भी छोटी सी डिबिया है या फिर कंटेनर है, मेरी तरह कोई आपके पास प्लास्टिक का कंटेनर है, उसमें इस पाउडर को आप स्टोर करके रख लो, और ये आपका 20 दिन 25 दिन भी ख़राब नहीं होने वाला है। आप जितना चाहो अपने हिसाब से इसको बना लेना, ठीक है। ज़्यादा चाहती हूँ ज़्यादा बना लेना, कम चाहती हूँ कम बना लेना, 1 हफ्ते का बना के रख लो। मैंने जितना बनाया तकरीबन मेरा ये 8 से 10 दिन आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाकर इसको एयर टाइट करके रख लो। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपनी बालकनी में, जहाँ पे मैंने कुछ पौधे लगाए हुए हैं गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पौधे जो है मैं हमेशा अपने घर के अंदर रखती हूँ, जैसे तुलसी हुई, एलोवेरा हुआ, ये सारी चीज़ें मेरे घर में हमेशा रहती है। तो एलोवेरा लीव हम निकालने वाले हैं, और मार्केट वाला अगर आप नहीं इस्तेमाल करोगे, क्योंकि बेस्ट तरीका है इसको लगाने का जो कि आप पत्ते से टूटा हुआ नेचुरल वाला लीव लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही खूबसूरत सी आजकल लीव निकल रही है, और सर्दियों में ना पेड़ों के ऊपर और भी बाहर आ जाती है, तो मेरे जो भी पेड़ लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक लीव मैं कट कर लूँगी, ठीक है, और एक लीव को कम से कम आप 3-4 बार लगा सकते हो। देखो मैंने इस तरह से कट किया, जैसे ही आप एलोवेरा लीव को कट करते हो तो इसके अंदर से एक येलो जेल रिलीज होना शुरू कर देता है। ये स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है गाइस, कभी भी आप अपनी स्किन के ऊपर इसको टच ना करो। ये एक ऐसी जानकारी है जो सभी को मालूम होनी चाहिए कि डायरेक्ट कभी भी टूटा हुआ एलोवेरा आपको नहीं लगाना होता है, अगर आप घर वाला यूज कर रहे हो तो, ठीक है। तो देखो ये जो जेल रिलीज हो रहा है येलो कलर का, इसको मैं पूरा का पूरा निकल जाने दूंगी। तकरीबन मैं यहाँ पे 15 मिनट के लिए इसको रख दूंगी, और पूरा जो जेल है ये हट जाने के बाद मैंने यहाँ पे इस लीव को धो लिया है, और ये जो लिक्विड जहाँ से रिलीज हो रहा था ना, ये ऊपर का पार्ट में काट दूंगी, ठीक है। इसलिए काट दूंगी क्योंकि मेरे स्किन के ऊपर ये कतई नहीं लगना चाहिए। और यहाँ पे एक टुकड़ा आप एलोवेरा लीव का ले लेना, ठीक है, और इसको ना साइड से इसके कांटे हटा देना, और बीच से इसको इस तरह से आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है, 2 भाग हो गए। अब क्या करना है, ये जो हमने पाउडर बनाया है तो इसको आप एक प्लेट में निकाल लो, कटोरी में निकाल लो, जैसे भी कंफर्टेबल हो, मतलब उस तरह से कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे एलोवेरा के ऊपर छोटे छोटे से कट लगाने के बाद इस पाउडर के अंदर उस एलोवेरा लीव को, यानी उस पत्ते को आप डिप करके ये पूरा का पूरा पाउडर उसमें समेट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से ये पाउडर आपके पास मिल गया है गाइस, और अब हम इसको अपने फेस के ऊपर लगाने वाले हैं। फेस के ऊपर आप सर्कुलर मोशन में ये दोनों लीव लेकर मसाज कर डालिए। यकीन मानिए चेहरे का खुरदुरापन है, कालापन है, डलने से आपकी स्किन बुझी बुझी सी दिखती है, आपकी स्किन सर्दियां आते ही काली पड़ना शुरू हो जाती है, आपकी स्किन बिल्कुल ड्राई दिखती है, चेहरे के ग्लो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इस तरह से एलोवेरा जेल को लगाइए, एक भी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपका नहीं बचेगा, और आपका रंग भी इवन टोन इससे होगा, क्योंकि जितनी चीजें हैं वो स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लगाइए, कम से कम आप 5 मिनट तक हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज कीजिए, 3-4 मिनट तो आपको देने ही देने हैं। और इस तरह से करने के बाद गाइस आप बाद में हल्के गुनगुने पानी से, यानी ल्यूक्वॉर्म वाटर से अपने चेहरे को स्प्लैश करते हुए धो लेना, बस इतना काम करना। उसके बाद जो आपके चेहरे पे भाई शाइन आने वाली है, वाह भाई वाह, क्या गजब की शाइन मिलने वाली है,
मैं बहुत खुश हो जाती हूँ जब सुबह सुबह इस तरह से एलोवेरा जेल को लगाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन चल रहा है आजकल मेरा। जब भी सुबह उठती हूँ ये पाउडर बनाकर आपने रख ही लिया है, मैंने भी रख लिया है, और इस तरह से एलोवेरा को अपने चेहरे पे लगाने से आपके दाग धब्बे रिमूव होते चले जाएंगे, कालापन हटता चला जाएगा, स्किन पूरा दिन ग्लो करेगी। और यकीन मानिए आपको महंगे महंगे जो आप फेस वॉश खरीदती हो, जो आप चीज़ें खरीदती हो स्किन के लिए, वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या करना, जब आपका चेहरा हल्का सा गीला रहे यानी डैम स्किन पे, आप मॉइस्चराइजर की एप्लीकेशन जरूर जरूर करेंगे, क्योंकि सर्दियां हैं वो आपके स्किन के ऊपर मॉइस्चर को लॉक कर देता है। सभी को पसंद आया ना आज का वीडियो? जी हाँ, मुझे पता है मेरी फैमिली को जरूर पसंद आया होगा आज का वीडियो। आप इस तरह से एलोवेरा जेल लगाकर सुबह सुबह अपनी स्किन को फ्रेश और खिला खिला दे सकते हो। यकीन मानिए शीशे में देखकर आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, और आपकी स्किन की जो ड्राइनेस थी, जो ये विंटर ने आपकी स्किन का ग्लो चुरा के रख लिया है, वो आपका फिर से वापस आ जाएगा एलोवेरा जेल को मेरे बताए हुए तरीके से लगाने से। तो ऐसे ही खूबसूरत रेमेडी निगार आपके लिए लेकर आती रहती है, अपने चैनल पर मैं शेयर करती रहती हूँ गाइज, यकीनन जो आपके लिए बहुत खूबसूरत रिजल्ट देती हैं। और घर बैठे बिना पैसा खर्च करे आपको इतने खूबसूरत वीडियो मिल जाते हैं कि आपको पार्लर जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो मेरे इस तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मेरे वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। और छोटा सा एक और काम करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, भाई मैं आपके लिए काम करती हूँ, तो थोड़ी सी मोटिवेशन दे दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। ये था मेरा आज का वीडियो गाइस, आशा करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है ना तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा है। कोई रिक्वेस्टेड वीडियो है तो आप मेरे साथ उसको शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, व्हाट्सएप पे, जहाँ पे भी आप जिससे कनेक्ट रहते हो ना उसके साथ शेयर कर दिया करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, टेक केयर, बाय।